हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल हमारी सीरीज चल रही है बेहद इंपॉर्टेंट लीडरशिप एंड थ्योरीज की तो आज होगा हमारा पार्ट थ्री पार्ट वन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े पार्ट टू में हमने ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी पढ़ी और आज का हमारा टॉपिक होगा बिहेवियरल थ्योरीज का तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार अपने बारे में बताना चाहूँगी माई नेम इज़ रीमा नैयर हैव डन एम कॉम क्वालिफाई किया था यूजीसी नेट एग्जाम दो बारी उसके बाद मेरा जे आर एफ हो गया था दो हज़ार बीस में विद ऑल इंडिया रैंक थर्टी इन कॉमर्स शौक है मुझे पढ़ाने का पब्लिक स्पीकिंग का क्रिकेट का और आर्ट में और अगर अभी तक आप हमारी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए सर्च करिए रीमा नायर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा तो आज का टॉपिक है बिहेवियरल थ्योरी अच्छा इस वर्ड से बिहेवियरल आपको क्या समझ आता है किसी लीडर का व्यवहार एक लीडर का व्यवहार किसके प्रति उसके फॉलोअर्स के प्रति ठीक है ये चीज ध्यान रखना अब इसको पढ़ते हैं सिंस लीडर एंड फॉलोअर्स हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सो द बिहेवियर ऑफ लीडर डिटोमिन दैवल ऑफ इंफ्लुएंस ये हैं हमारे एक लीडर और ये हैं उसके फॉलोअर्स आप मुझे एक बात बताइए इनका जितना अच्छा रिलेशन होगा क्या उतनी ही अच्छे से बात सुनेंगे ये फॉलोअर्स अपने लीडर की आपका आंसर है यस और उतने ही अच्छी इसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छे से बाहर निकाल के आएंगी

जब भी बिहेवियरल थ्योरी आप पढ़े ना आपके माइंड में ना दो तरह के लीडरशिप स्टाइल्स आने चाहिए हमेशा टू स्टाइल्स कौन कौन से पहला तो होगा टास्क ओरिएंटेड लीडर जिसका ध्यान सिर्फ काम में है काम करवाना और दूसरा होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड जिसका ध्यान सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की तरफ है ठीक है दो एक्सट्रीम्स हो गए ना एक जो सिर्फ काम को देख रहा है और दूसरा जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को देख रहा है ये दो स्टाइल्स याद रखना तो बताता है हाउ अ पर्टिकुलर बिहेवियर मतलब उसकी ये स्टाइल्स इम्पैक्ट करेंगे परफॉर्मेंस को और सेटिस्फैक्शन ऑफ सबॉर्डिनेट्स मतलब उसके फॉलोअर्स ठीक है आगे देखते हैं इट इंक्लूड्स मिशिगन स्टडीज एंड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज अब यहाँ पे ना दो स्टडीज की, की गई पहली तो मिशिगन में और दूसरी ओहियो में अब इनमें ये दो स्टाइल्स होंगे लीडरशिप के जो हमने पढ़े एक टास्क एक रिलेशनशिप एक टास्क एक रिलेशनशिप बस दोनों में ना नाम थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे बाकी कॉन्सेप्ट सेम चलेगा ठीक है अब मिशिगन स्टडीज के बारे में बात करते हैं ये स्टडीज का क्या पर्पज था ये जानिए आपने आइडेंटिफाई करना है विच लीडरशिप स्टाइल रिजल्टेड इन हाई परफॉर्मेंस एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप अच्छा लीडरशिप स्टाइल कौन से में हमने दो अभी डिस्कस किए आप कहेंगे एक टास्क वाला और एक रिलेशनशिप वाला अब ये दोनों में से कौन सा स्टाइल रिजल्ट करेगा हाई परफॉर्मेंस में और सैटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप में क्या आप गैस कर सकते हैं क्या आप गैस कर सकते क्या वो टास्क ओरिएटेड होगा कि रिलेशनशिप ओरिएटेड अब अभी गैस करके रखिए बाद में हम देखेंगे कि कौन सा सही है ठीक है देखिए ये है वो दो नाम प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप ये कौन सा हुआ हमारा टास्क वाला और इम्प्लॉज सेंटर्ड लीडरशिप ये हुआ हमारा रिलेशनशिप वाला ठीक है अब यहाँ पे हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे रहेगा एक लीडर का देखिए एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड एज टूल्स टू गेट द वर्क डन सिर्फ उनको एक मशीन समझा जाता है कि काम करके दो बस बहुत ही रिजिड रूल्स है मतलब ऐसे एनवायरमेंट है जहां ध्यान ही सिर्फ काम की तरफ हो इम्प्लॉय की तरफ हो ही ना एंड इट फोकस ऑन दिकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब राइट इट इज क्लियर लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स दिस स्टाइल एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल यहां पर ना ध्यान एक लीडर का अपने एम्प्लॉय होगा कि हाँ क्या वो ठीक है बस तो मेरा काम हो गया आर कंसिडर्ड एज टू गेट दर्क डब्ल्यू ओ आर टन कंसर्न फॉर एम्प्लॉय उनकी क्या नीड्स है उनके वेलफेयर के बारे में एक लीडर का हमेशा कंसर्न रहेगा हियर द फोकस इज ऑन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन उनकी रिस्पेक्ट और उन पे ट्रस्ट तो देखिए सारा का सारा फोकस यहाँ किस पे है एक एम्प्लॉय में और यहां सारा का सारा फोकस किस पे है टास्क में ठीक है ये दो स्टाइल है अब इनका ये मकसद था कि देखिए ये रहे हमारे दो स्टाइल इनमें से कौन सा स्टाइल रिजल्ट करेगा हाई परफॉर्मेंस एंड सैटिस्फेक्शन ऑफ ग्रुप ग्रुप मतलब ग्रुप मतलब मेरे फॉलोअर्स या मेरे सब ऑर्डिनेट्स फाइंडिंग्स क्या थी इसकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मोर इन प्रोडक्शन सेंटर लीडरशिप स्टाइल बट बट इट लेट टू डिस सेटिस्फैक्शन एन एब्सटीनिज्म और टर्न ओवर क्या मतलब प्रोडक्शन सेंटर्ड में जब ध्यान ही सिर्फ मेरा टास्क की ओर है एक लीडर का तो वहाँ तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा काम तो होगा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्शन मेरी बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ जब मेरा ध्यान ही मेरे एम्प्लॉयज की तरफ नहीं है तो क्या वो डिससेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे क्या वो बार बार छुट्टी नहीं मारेंगे क्या वो मेरी नौकरी छोड़ के नहीं चले जाएंगे ये थी findings, production -centered leadership style की। ने क्या बोला? It increases cohesiveness. Cohesiveness मतलब ग्रुप की कोऑर्डिनेशन ठीक है वो बड़ी सैटिस्फेक्शन बड़ी और वहां पे कम हुआ एक एम्प्लॉय का एफ मतलब छुट्टी मारना और टर्नओवर उसका नौकरी से छोड़ के जाना कम हुआ तो आप ही बताइए कौन सा स्टाइल बेटर है ऑब्वियसली इम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल इज बेटर बिकॉज हमने क्या इसका फोकस रखा था हाई परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रुप और आई होप द मिशिगन स्टडीज आर क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ मिशिगन स्टडीज बताइए क्या इस स्टडी ने किसी सिचुएशनल फैक्टर की बात करी यहाँ तो सिर्फ दो लीडरशिप स्टाइल्स की बात हुई है और सिर्फ फोकस लीडर पर ही रहे दी स्टडीज इग्नोर्ड इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स ग्रुप एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स दिस इज अ क्रिटिसिज्म नेक्स्ट द लीडर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एनी वन ऑफ दीज टू एक्सट्रीम स्टाइल्स लीडरशिप के या तो वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होगा या वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा बस ये बोला एक स्टडीज ने ऐसे भी कई लीडर होते हैं जिनका फोकस टास्क के साथ साथ अपने एम्प्लॉय पे भी रहता है होते हैं ना लेकिन वहां तो ऐसी कोई बात करी ही नहीं गई एक लीडर को बोला तुम चुन लो या तो तुम सिर्फ टास्क ओरिएंटेड हो गए या एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड हो गए तो ये भी क्रिटिसिज्म है दी स्टडीज फेल्ड टू डिटमिन वॉट इज कॉज एंड वॉट इज इफेक्ट नॉट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ये देखते हैं कैसे एम्प्लॉ सेंटर लीडरशिप स्टाइल लीड्स टू राइज इन प्रोडक्टिविटी अगर आप मुझे बताइए कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं की कि कौन सा कॉज है उसका इफेक्ट क्या होगा या इफेक्ट से उसका कॉज क्या होगा ये नहीं बताया क्या मैंने जो लीडर ने एम्प्लॉयी सेंटर लीडरशिप अपनाया क्या उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से मैंने एम्प्लॉ सेंटर लीडरशिप को अपना लिया देखो यहाँ कोई कॉज और इफ़ेक्ट तो बताया नहीं कि कौन सा कॉज था कौन सा इफेक्ट था ये भी ये भी एक क्रिटिसिज्म है ठीक है ये हो गया क्लियर अब चलते हैं अपनी अगली स्टडीज की तरफ जो है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज अब इसका क्या पर्पस था इसका ये पर्पस था आपने आइडेंटिफाई करना है लीडरशिप की डायमेंशंस को और उनका क्या इम्पैक्ट होता है एक एम्प्लॉय की बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन में अच्छा हम दूसरे मिशिगन स्टडीज का क्या पर्पज था आइडेंटिफाई करना था लीडरशिप का स्टाइल और कौन सा बेटर होता है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लीडरशिप की डायमेंशन डायमेंशन ना दो रहेंगी आपको पता है वो दो कौन सी हैं ठीक है और उनका क्या इम्पैक्ट होता है इम्प्लॉय के बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन में चलिए देखते हैं पहला होगा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ध्यान रखना माइंड में बात बिठा लेना इट इज रिलेटेड टू टास्क ओरिएंटेड एंड कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप या इंप्लॉई सेंटर्ड ठीक है लीडर एंडिनेट यहां पर ना हैर की बता दी ये लीडर और उसके नीचे हैं फॉलोअर्स ये एक उनका रिलेशनशिप बता दिया गया और डेवेलप किए गए प्रॉपर कॉम्युनिकेशन चैनल सो so दैट वो अपने चीजें एग्जीक्यूट करवा सके एक लीडर बता सके क्या काम करना है ये अपना काम करवा सके और कोई ग्रेवियंसिस हैं कोई फीडबैक है तो वो लीडर को दे सके तो उसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल भी बनाया फोकस यहाँ किस पे रहता है फोकस यहाँ किस पे रहता है असाइन टास्क टू एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइज देयर एक्टिविटीज ठीक है क्या बात क्लियर हुई ठीक है चलिए कंसिडरेशन की तरफ चलते हैं यहां एक लीडर का बिहेवियर

ठीक है यहाँ क्या फोकस था वही होगा देखिए ये रही मेरी दो डायमेंशन अब इनमें से आपको बताना है कि क्या इंपैक्ट होगा इंप्लॉय की बिहेवियर और सेटिसफेक्शन में जब भी ना ये वर्ड आया ना आपके माइंड में डायमेंशन तो क्या चीज आनी चाहिए एक तो एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस अब इन दो डायमेंशन को हम इन दो एक्सिस में प्लॉट करेंगे चलिए वो देखते हैं कैसे अब ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी वाई एक्सिस एक आपको ट्रिक बताऊं बताऊन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान देगी वो उतना ही दूर तक जाएगी मानते हैं बात? इस वजह से X में इसको लिख दिया इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को और और इस साइड देखिए जोन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉज के बारे में सोचेगी ना वो उतना ही ऊपर जाएगी ऐसे आपको याद हो जाएगा एक्स एक्सिस में कौन सा आएगा वाई एक्सिस में कौन सा आएगा अब अब लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना वो ध्यान काम की तरफ कर रहा है लो और ना ही ध्यान अपने एम्प्लॉय की तरफ कर रहा है अब यहां क्या बहुत अच्छी चीजें होंगी क्या उसका ध्यान कहीं नहीं है तो बिल्कुल नहीं ठीक है बिल्कुल नहीं इट इज नॉट अ गुड स्टाइल गुड ग्रेड अच्छा अब इधर चलते हैं इस साइड पे चलते हैं यहां एक लीडर का ध्यान ना किस पे ज्यादा है किस पे ज्यादा है देखो काम पे ज्यादा है लेकिन लोगों पे नहीं है लो है लोगों पे ध्यान ही नहीं है तो एक तरफ तो ये अच्छा है क्योंकि हाँ हमारा काम पे ध्यान है लेकिन एक तरफ सैड है क्यों क्योंकि लोगों पे ध्यान ही नहीं है इस साइड भी कुछ सेम कहानी चलती है देखिए यहां ध्यान तो है एम्प्लॉयज पे तो इस वजह से खुश लेकिन काम पे ध्यान ही नहीं है इस वजह से सैड और यहाँ देखिए क्या एज ए लीडर मेरा ध्यान लोगों पे भी हाई है और काम पे भी हाई है हाँ तो इस वजह से ये स्टाइल सबसे अच्छा होगा ठीक है देखिए कुछ ऐसा सांप का डायग्राम बनेगा यहाँ पे लो तो बेचारा सैड है मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे हंस के रो भी रहा है तो मिक्स फीलिंग्स है यहाँ भी मिक्स फीलिंग्स है यहाँ खुश है ये बेस्ट है ठीक है अब पढ़ते हैं इसका क्या फाइंडिंग्स रही हाई हाई कंसीडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर ये कौन सा होगा ये वाला ये वाला इट लेड टू हाई सेटिस्फैक्शन लो एफिनिज्म बट लो परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय की तरफ से तो देखिए तो सेटिसफेक्शन रहेगी उस छुट्टी भी कम मारेगा लेकिन आपका ध्यान ही जब काम की तरफ नहीं था आपकी परफॉर्मेंस कम नहीं होगी होगी ना आगे देखिए हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन ये है ये वाला ये वाला यहाँ पे ना सैटिस्फेक्शन भी कम रहेगी क्योंकि लोगों की तरफ ध्यान नहीं है इस वजह से वो छुट्टी मारेंगे लेकिन परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा होगी क्यों क्योंकि आपका ध्यान किस पे ज्यादा है अपने टास्क पे ठीक है अब अब वेन बोथ डायमेंशन आर हाई हमारे ये वाला केस परफॉर्मेंस एंड सैटिस्फैक्शन आर हाई ठीक है अब इसकी क्या क्रिटिसिज्म थी क्रिटिसिजम ऑफ बिहेवियरल थ्योरीज ठीक है नहीं बिहेवियरल दीज थ्योरीज इग्नोर्ड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स ग्रुप्स एंड अदर सिचुएशनल फैक्टर्स हमने ये पढ़ा एंड सेम बिहेवियर कैनॉट लीड सेम रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने पेरेंट्स के बारे में सोची क्या बीस साल पहले जो पेरेंट्स का बिहेवियर था क्या वो आज आज भी सेम है और 20 साल बाद भी वो सेम रहेगा आपका आंसर होगा नो no. तो सेम बिहेवियर कैन नॉट लीड सेम रिजल्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिहेवियर चेंजेस ठीक है लेकिन इस चेंज की तो बात कहीं करी कह नहीं इस वजह से ये है क्रिटिसिज्म एक रिवीजन ले क्विक रिवीजन लें ठीक है बिहेवियरल थ्योरीज का जब नाम आए मुझे बताइए मुझे बताइए कौन से दो स्टाइल्स आपके माइंड में आने चाहिए आप कहेंगे मैम एक तो टास्क ओरिएंटेड और दूसरा रिलेशनशिप ओरिएंटेड और अगर दो स्टडीज़ के बारे में बात करी जाए तो कौन सी दो स्टडीज़ हैं पहली आएगी मिशिगन दूसरी आएगी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन में हमने क्या बात करी कि यहाँ पे ना दो स्टाइल्स हैं लीडरशिप के आपको ये बताना है कि इनमें से बेटर कौन सा है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे वो ज़्यादा सेटिसफाई होता है एज ए ग्रुप ठीक है और ओहियो में हमने क्या पढ़ा आपके पास दो लीडरशिप डायमेंशन होंगी स्टाइल्स नहीं दो डायमेंशन होंगी वो डायमेंशन कौन कौन सी हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा है कंसिडरेशन अब इनका क्या इम्पैक्ट होता है एक परफॉर्मेंस पे एक कोहिजिवनेस ऑफ ग्रुप पे आपने बताना है ठीक है जब दोनों हाई होंगे तो वो स्टाइल बेस्ट रहेगा और इस केस में हमारा था एक प्रोडक्शन सेंटर्ड एक था एम्प्लॉय सेंटर्ड तो इस केस में क्या चीज़ बेहतर थी एम्प्लॉय सेंटर्ड ठीक है उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी कोई डाउट है ना तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करना शेयर करना और नए जुड़े हैं ना हमारे साथ तो स्वागत है आपका हमारी YouTube फैमिली में सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी के साथ पढ़ते रहिए अपनी नॉलेज को बांटते रहिए विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्प टेक केयर बाय